अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। चलो इधर और बच्चे से आंगनबाड़ी में मतलब आते ही नहीं है क्योंकि वहाँ प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में मतलब 3 साल 4 साल के बच्चे का एडमिशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो आंगनबाड़ी में हम क्या करेंगे सर। और अधिकारी आ जाते हैं कि बच्चे कहाँ हैं तो हम क्या बताएंगे सर, क्योंकि बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं। अभी प्ले स्कूल में डल रहा था, प्ले स्कूल में चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एडमिशन नहीं लेना चाहिए जरूर सर। कम से कम 5 साल के बच्चे आंगनबाड़ी में रहना चाहिए। हाँ, और ऐसा शासन को ऐसा नियम निकालना चाहिए कि 5 साल के बच्चे आंगनबाड़ी में ही रहे। हाँ, और स्कूल आंगनबाड़ी का समय एक ही है तो बच्चे कहाँ रहेंगे सर। अभी आप पे किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है सर, बच्चे कोई अधिकारी आता तो बोले बच्चे कहाँ हैं तो हम क्या बताएंगे सर। बच्चे चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, 10 बजे उनका स्कूल लग जाता है, 9 बजे चले जाते हैं कोई बच्चे। सर अभिभावक भेजते नहीं है अधिकतर और एडमिशन ना करवा देते सर अभी। हाँ सर, वो 2.5 साल 3 साल के बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेज देते क्योंकि वहाँ का एडमिशन चालू हो जाता है, और अभी तो सरकारी स्कूल में भी एडमिशन चालू हो गए तो हम क्या करेंगे सर। हमारी ये चाहते हैं सर, हमको 5 साल तक के बच्चे आंगनबाड़ी में ही रहे। हाँ, नियम में परिवर्तन करें सर। सर मैं कृष्णा कारपेंटर हूँ, कमलापुर से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देवास जिले के कोने कोने से आई है, जिसमें हमने मांग किए, दो दो ऐप चला रहे हैं, एक केंद्र सरकार के एक राज्य सरकार का, जिसमें बहुत परेशानी आ रही है, नेटवर्क की समस्या। हम एक ही ऐप पे काम कर सकते हैं, एक हमारी ये समस्या है, एक हमारी जो 1 जुलाई से बढ़ने वाले थे 1000 कार्यकर्ता के 500 सहायिका के, वो अभी तक नहीं मिले। दूसरी समस्या है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो रिटायर हुए उनको 1,25,000 देने का वादा किया था सरकार ने, वो अभी तक नहीं मिले। तीसरी हमारी शासकीय कर्मचारी की मांग है जो हम सरकार से कर रहे हैं। अभी कुछ काफी चर्चा हुई आपकी, अभी पोषण मैडम ने बताया हमको कि आपकी जो रिटायरमेंट वाले पैसे आ गए कुछ लोगों को वो मिल जाएंगे, और जो 1000 हैं उसके आदेश आने वाले हैं, और पोषण ट्रैकर ऐप दोनों ऐप को एक किया जाएगा। टोटल समस्या है कि हम जैसे दो दो ऐप पे एक ही काम करते हैं, पोषण ट्रैकर पे और संपर्क ऐप पे, तो लोकेशन के कारण इतनी समस्या आ रही है कि उसमें हमारी उपस्थिति दिखाई नहीं दे रही। हम जब कार्य कर रहे हैं तो नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क नहीं मिलता, इसलिए हम एक ही ऐप पर काम करना चाहते हैं, पोषण ट्रैकर। इस विषय को समस्या का बोला मैडम, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक का मेरे कार्यकर्ता संघ के प्रदेश महामंत्री रंजना राणा। मैं बताइए, अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सारी संख्या में कलेक्टर अधिक पहुंचे और आपसे कुछ चर्चा भी कही विभिन्न मांगों को लेकर, क्या कुछ मांगे थी, क्या निराकरण निकाला। जो इनकी मांगे हैं आज ये सारी
उनके संघ वालों के साथ में कार्यकर्ताएं आई हैं। इनकी मांगे हैं कुछ शासन से संबंधित है और कुछ रेगुलर जो अपना हमारा जो एप चल रहा है उसके संबंध में है। तो हम लोगों ने यहाँ जिले से ये व्यवस्था करी है कि एक तो इनको अभी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इन पर नहीं होगी। अगर उपस्थिति या किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और ये काम नहीं कर पा रहे तो हम इन लोगों को बाकायदा एक एक ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद इनको समझाएं देंगे अभी किसी पे भी किसी कार्यकर्ता सहायिका पे इस टाइप की कोई कार्रवाई नहीं होगी जिले में। दूसरा कुछ मांगे इनके शासन से संबंधित है तो शासन को भेजी जाएगी।